अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मजेदार सी और हर किसी को पसंद आने वाली कोल्ड कॉफी, जो कि हम रेस्टोरेंट वगैरह में पीने जाते हैं कॉफी शॉप पर, तो बहुत ही ज्यादा महंगी मिलती है। इसको बहुत ही कम पैसों में और बहुत ही इजी तरीके से आप घर में बनाकर पी सकते हैं। गर्मियों के लिए बहुत ही मजेदार सी ये रेसिपी है, बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 से 3 गिलास दूध। दूध मैंने बिल्कुल ठंडा लिया है। और यहाँ पे मैंने हर्षीज सिरप ले लिया है डेकोरेट करने के लिए। 2 टेबल स्पून मैंने लिया है कॉफी, आप चाहे कोई भी कॉफी ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने एक डेयरी मिल्क चॉकलेट लिया, इसको भी हम डेकोरेशन में यूज करेंगे। यहाँ पे 3 से 4 बड़े चम्मच मैंने चीनी लिया है। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। थोड़े से मैंने आइस क्यूब ले लिए, जितना हम इसको ठंडा बनाएंगे। और 2 तरीकों से हम बनाएंगे, एक हम बनाएंगे प्लेन कॉफी कोल्ड और एक हम बनाएंगे आइसक्रीम वाली। तो 2 तरीकों से हम बनाएंगे, बहुत ही ज्यादा आसान तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक ब्लेंडिंग जार ले लिया है, इसमें हम सबसे पहले डाल लेंगे 2 से 3 गिलास दूध। ये ठंडा दूध है, बिल्कुल पका हुआ है लेकिन ये ठंडा है। यहाँ पे मैंने 2 से 2.5 गिलास दूध ले लिया है। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं इसमें। इसमें मैंने दूध डाल लिया है और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गुनगुना पानी लिया है, जिसमें हम कॉफी को घोलकर तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच कॉफी ली है, इसमें हम थोड़ा सा गुनगुना पानी डालकर इसका हम घोल तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो पहले भी तैयार करके रख सकते हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो सूखा कॉफी पाउडर भी डालकर डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन इस तरीके से बनाने से बहुत ही मजेदार कॉफी हमारी बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही जल्दी कॉफी मेल्ट हो जाती है। ये हमारा घोल अच्छे से तैयार हो चुका है। हमारा कॉफी घोल तैयार हो, इसको मैंने तैयार कर लिया है। अब इसको हम डालेंगे ठंडे दूध में इस तरीके से। अब चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जैसे आप पसंद करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 टेबल स्पून चीनी ली है, वो डाल देंगे। और इसमें हम डाल लेंगे हमने जो आइस क्यूब लिए हैं, जितना आपको ठंडा पसंद है। जितना ही हम ठंडा बनाएंगे उतनी झागदार हमारी कॉफी बनकर तैयार होगी। इसको हम ब्लेंड कर लेंगे कुछ सेकंड के लिए। कॉफी को मैंने कुछ सेकंड के लिए ब्लेंड कर लिया है। अब हमारी कॉफी बिल्कुल तैयार हो गई है पीने के लिए। तो अब इसको हम अपने ग्लास में डेकोरेट करेंगे। यहाँ पे मैंने अच्छे से 2 गिलास ले लिए हैं। सबसे पहले हम ग्लास को डेकोरेट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने हर्षी सिरप लिया है इस तरीके से। आप मन चाहे डिजाइन में इसको डेकोरेट कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद है। और थोड़ा सा हम चॉकलेट सिरप जो है इसके बॉटम में डाल देंगे, ये देखिए। और इसमें भी हम इसी तरह गार्निश कर लेंगे। देखिए हमारे गिलास बढ़िया से तैयार हो गए हैं। अब इसमें हम अपनी कॉफी डालेंगे। ये देखिए कितनी झागदार हमारी कॉफी बनकर तैयार हुई है। बहुत ही कम पैसों में आप अपने मजेदार से कॉफी घर पर बनाकर पी सकते हैं। इसमें हमने जो डेयरी मिल्क चॉकलेट ली थी, थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे। आप चाहें तो चोको चिप्स का भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए हमारी मजेदार सी कोल्ड कॉफी बनकर तैयार हो गई है। अब हम अपनी दूसरी कॉफी बनाएंगे। अब जो हमारी कॉफी बची हुई है, यहाँ पे हमने वनीला आइसक्रीम ली है। 2 से 3 बड़े चम्मच हम इसमें वनीला आइसक्रीम के डालेंगे, तो बहुत ही ज्यादा क्रीमी हमारी कोल्ड कॉफी बनकर तैयार हो जाएगी, बिल्कुल मार्केट जैसी। 2 से 3 टेबल स्पून हम इसमें ऐड कर लेंगे और इसको एक बार हम फिर से ब्लेंड कर लेंगे। हमारी आइसक्रीम कोल्ड कॉफी भी बनकर तैयार हो गई है। इसको भी हम अपने ग्लास में डाल लेंगे और इसका जो झाग है ऊपर से वो भी निकाल के डाल देंगे। तो देखा कितना आसान है कोल्ड कॉफी घर में बनाकर पीना, बहुत ही मजेदार बनती है ये। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी आइसक्रीम, कम या ज्यादा आप जैसे पसंद करते हैं उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और जो चॉकलेट हमने ली है वो भी स्प्रिंकल कर देंगे। तो दोनों तरीके से हमारी आइस कोल्ड कॉफी बनकर तैयार हो गई है। एक हमने प्लेन कोल्ड कॉफी बनाई, एक बनाई हमने आइसक्रीम कोल्ड कॉफी। तो जो जैसे भी चाहे आप इसको बनाकर पी सकते हैं, चाहे आप प्लेन बनाए चाहे आइसक्रीम के साथ बनाए। तो ये रेसिपी भी हमारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमारी रेसिपी को लाइक करो। हमारे चैनल पर पहली मरतबा आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिए ताकि मेरी नई आने वाली कोई भी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन फटाफट आपको मिल सके। तो और आप अपने कमेंट्स में हमें जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स में। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।